हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। आज हम सबका सीटेट का एग्ज़ाम था। आई होप आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। आप ये सीटेट के आंसर सीरीज़ की हमने स्टार्ट करी है, तो सबसे पहले हम सीडीपी के आंसर्स देखेंगे और ये पेपर फर्स्ट की है जिसका टेस्ट बुकलेट कोड है आर। तो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल एंड स्टार्ट द वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर वन पेपर फर्स्ट का आर सीरीज़ का है सीडीपी का। असेसमेंट शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, should be done based on objective type written task, should be undertaken as a separate activity or should be part of teaching learning process। तो assessment कैसा होना चाहिए, should be part of the teaching learning process। तो fourth option is correct। now question number two, in a constructivist frame learning is, एक constructivist frame में संरचनावाद दृष्टिकोण में learning क्या है, अधिगम क्या है, the process of acquisition of knowledge, a change in behavior as a result of experience, active and social and its character, or passive and individualistic। तो a change in behavior as a result of experience, मतलब ऐसा behavior में change आना जो experience की वजह से आया हो, उसको हमने learning कहा है as a contrast। Now next question number 3, when teacher have positive belief about student and their abilities, the student, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रंस एरर्स क्या है, अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इनसाइट इन टू देयर थिंकिंग, बी आर इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सी रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, और डी शुड बी इमिडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू प्रिपेयर प्रैक्टिस रिपीटेड प्रैक्टिस। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ मोर करेक्ट कि वो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होती है और हमें एक इंसाइट हमारी थिंकिंग में लाती है। नाउ ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एन एग्जाम्पल ऑफ, जब बच्चे का खुद का इनिशिएटिव और एफर्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो कैसी स्टडी होगी, वो कैसा होगा मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा वो, लर्नर सेंटर्ड मेथड फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रिंसिपल डज फॉलोइंग हाईलाइट्स, एक इन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया उसके बेस पे कौन सा प्रिंसिपल है ये बताना है हमारा। स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ एंड फील डीमोटिवेटेड, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते और वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, दे आर देन लाइकली टू गिव अप ईजली विदाउट ट्राइंग एंड रेजिस्टिंग इन डूइंग टास्क, और वो बिना टास्क को करे ही उनसे दूर जाते हैं। तो इससे कौन सा प्रिंसिपल मालूम पड़ता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट सेपरेबल, जो हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट है वो सेपरेबल नहीं है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड नहीं है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, हाँ कॉग्निशन और इमोशन कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ बच्चे का कॉग्निशन मीन्स बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर इमोशन आ रहा है कि वो चीज़ों से भाग रहा है, और कॉग्निशन इमोशन आर नॉट रिलेटेड, तो नॉट रिलेटेड तो नहीं है, ऑप्शन 3 इज मोर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक टीचर को बच्चे को इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहा है तो वो क्या करेगी, फर्स्ट एम्फसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑन द ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो रोट मेमोरी को हमेशा हम अगेंस्ट रखते हैं तो ये नहीं होगा, एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इन्यूटिटिव गेसेस एंड टू लुक एट द मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पर बात नहीं की गई है इसलिए गलत है, गिविंग देम आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट बुक पर बोला गया है इसलिए, और किसी एक क्वेश्चन के लिए बोला गया है इसलिए ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, जो जीन पियाजे की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सही है, चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, जो चिल्ड्रन की थिंकिंग होती है बच्चों की वो क्वांटिटेटिवली अलग होती है, मतलब क्वांटिटी मात्रात्मक गलत अलग होती है, या फिर चिल्ड्रन थिंकिंग आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, या फिर गुणात्मक अलग होती है, तो वो गुणात्मक अलग होती है। सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन थिंकिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, तो ये था गुणात्मक, तो ये करेक्ट आंसर है कि बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो क्वालिटेटिवली बड़ों से अलग होती है, और फिर यहाँ चिल्ड्रन थिंकिंग से इन्फीरियर
टू अडल्ट्स और चिल्ड्रन थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट, तो हम यहाँ पे इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड्स आर नॉट करेक्ट, तो क्वालिटेटिव ये करेक्ट है, तो क्वालिटेटिव इज अ करेक्ट आंसर, सो बी इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, जेंडरलेस सोशल कॉन्ट्रैक्ट और बायोलॉजिकल अलग अलग था उसके अंदर. तो अगर यहाँ पे सेक्स होता तो यहाँ पे बायोलॉजिकल आता या लेकिन यहाँ पे जेंडर है तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन से ब्रॉड डोमेन्स है हमारे डेवलपमेंट के, तो नॉर्मल सी बात है ऑप्शन 3 करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर चारों के चारों आ रहे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल. फर्स्ट के अंदर पर्सनैलिटी है और स्पिरिचुअल है, जिस जो ये डोमेन्स में नहीं आते हैं, ये अलग है. सेकंड के अंदर भी सेल्फ कोई डोमेन नहीं है और फोर्थ के अंदर भी इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सेल्फ डोमेन्स में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका 2 है. इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सर्वल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय द इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इंटेलिजेंस क्या है वो मल्टी डायमेंशनल है और इसके लिए अभी मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, तो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी कौन सी है हमारी, फैमिली है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू लेगवाइगोस्के लर्निंग इज, लेगवाइगोस्के के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में कौन से करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ऑप्शन 1, डिफर्ड इमिटेशन होता है बच्चे के अंदर, फर्स्ट स्टेज जो होता है सेंसरी मोटर उसमें इमिटेशन होता है, तो सेकंड स्टेज में डिफर्ड इमिटेशन आ जाता है. नाउ 14 के बाद आते हैं 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज इनकरेक्ट, इसके अंदर फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे सारे आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट हैं, वो आंसर किए आने के बाद एक दो आंसर्स गलत हो सकते हैं, बट मोस्टली सही हैं. इसके अंदर भी जो मोस्ट करेक्ट आंसर है, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड केपेबल ऑफ लर्निंग, बट ऑप्शन 2 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं करेक्ट है, चिल्ड्रन आर रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, लेकिन इसके अंदर वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वाला पॉइंट डिनाइड हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम बच्चे को कह सकते हैं एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखते हैं. नाउ द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, ट्रांजिशन से अडल्टहुड के नाम में हम कौन से पीरियड से जाते हैं, अडोल्सेंस से जाते हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन क्या है, कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, तो जीन पियाजे ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन नहीं दिया था. कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन अ स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उन्होंने रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात भी नहीं करी थी. एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने कहा था चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट, वो खुद एक्सप्लोर करेगा. एंड फोर्थ, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन थिंकिंग, तो ऑब्जर्वेशन थिंकिंग भी उन्होंने नहीं दी थी, वो बंदूरा नहीं दी थी, तो ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम डैश टू डैश, इन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर जो होता है बच्चे के अंदर सब में अलग अलग रेट होता है, बट स्टिल एक सीक्वेंस फॉलो होता है, तो वो कौन सा सीक्वेंस है, मोटर डेवलपमेंट की बात करी है, तो मोटर डेवलपमेंट में दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर, तो ऑब्वियसली पहले बच्चा ग्रॉस मोटर सीखेगा फिर फाइन, तो ग्रॉस टू फाइन होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एसोसिएटेड टॉयज आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग हाउस होल्ड आइटम्स ऑक्यूपेशन एंड द कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, अब किसी एक स्पेसिफिक सेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम कलर्स चॉइस वगैरह को प्रिफर करेंगे तो वो क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इन द एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग विद हर, तो इसके अंदर है कि एलिमेंट्री क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंट है, बच्चे के एक्सपीरियंस को क्या करें, बिल्ड ऑन करें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ चाइल्ड आर्ग्यू दैट हाइंस शुडंट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हर वाइफ हिज वाइफ बिकॉज ही विल
caught and sent to the jail if he does so. According to the Kolbach, which stage of moral understanding does the child fall understand? हमने जो कॉलबैक की थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर स्टार्टिंग में हमने कुछ मोरल डिलेमास पढ़े थे और हाइंस का मोरल डिलेमा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था. तो उसके अंदर एक बच्चा कहता है कि हाइंस को वो नहीं करना चाहिए था चोरी क्योंकि फिर उसको पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी. तो बच्चा कौन सी स्टेज में है? इसके अंदर बच्चा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज में है. क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम कि क्या गलत है क्या सही है. उसको सिर्फ ये पता है कि अगर गलत करोगे तो उसका क्या मिलेगा? पनिशमेंट ही मिलेगी. सो ऑप्शन वन इज़ करेक्ट. Now 23, Lech Vygotsky referred the verbal dialogues that child have with themselves. Lech Vygotsky ने जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसको क्या कहा था? प्राइवेट स्पीच कहा था. क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम. कौन सी फिलोसफी के अंदर आता है कि सारे बच्चों को इक्वल राइट होना चाहिए एक रेगुलर स्कूल में पढ़ने का? तो ये इंक्लूजन में हमने पढ़ा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर शुड इग्नोर कल्चर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्ग स्टूडेंट. क्या उस बच्चों के कल्चर डिफरेंसेस को और डाइवर्सिटी को इग्नोर करके पढ़ाना चाहिए? नहीं. कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल द कल्चर इन द क्लासरूम. उसको बताना चाहिए कि वो हर कल्चर को रिस्पेक्ट करती है और क्लासरूम में ऐसा एनवायरमेंट देना चाहिए कि सारे कल्चर को रिस्पेक्ट मिले. मैक्सिमाइज कंपेरिजन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट. कंपेरिजन को मैक्सिमाइज करें? नहीं. प्रमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू द सर्टेन कल्चर. सिर्फ एक सर्टेन कल्चर के लिए बिलोंगिंग्स को प्रमोट करें तो वो भी गलत है. तो ऑप्शन टू इज़ मोर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कौन से राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्या एडवोकेट किया गया था? इंक्लूसिव एजुकेशन किया गया था, समावेशी शिक्षा. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, चाइल्ड शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास. बच्चे को क्लास में क्या करना चाहिए? हमें नॉट अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या उसको अलाउड नहीं करना चाहिए, या फिर स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, उसको पूछने से मना कर देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए आस्किंग के लिए, या फिर डिस्करेज करना चाहिए? तो सीधे सीधा आंसर है टू एनकरेज टू आस्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की टू प्रोसेसिंग थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स. इनमें से कौन सा हमें मीनिंगफुल लर्निंग में नहीं यूज करते? तो ऑप्शन सी, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल. जहाँ भी मेमोरी या रोट मेमोरी रहते हैं वो गलत होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉलम ए एंड द कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर मैचिंग करनी है. तो इसके अंदर अगर आर आपकी भी आर सीरीज है तो ऑप्शन डी होगा. मैं वैसे बता देती हूँ, फर्स्ट है गिफ्टेड. गिफ्टेड बच्चे की क्या होती है? एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी डू इंडिपेंडेंटली. सेकेंड है लर्निंग डिसेबल, इसके अंदर है लैक्स रीडिंग फ्लुएंसी. ठीक है. फिर थर्ड है क्रिएटिव, क्या इसका आंसर होगा? कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल कोर्स सॉल्यूशंस. और है फिर ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजली. तो ये इसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन हमारा CDP का. चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन. बच्चे कब इफेक्टिवली लर्न करते हैं? दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब वो कॉपी करते हैं आंसर ब्लैक बोर्ड से, या फिर दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटी एंड टास्क. जब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और में टास्क करते, तो ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट है क्योंकि इसमें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है. उसके बाद द टीचर फुल्ली कंट्रोल एवरीथिंग दैट हैपन इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन. और टीचर पूरे क्लासरूम को कंट्रोल करें, यहाँ तक कि बच्चों को भी. वो तो ये भी नहीं है. दे मेमोराइज फैक्ट्स इन द गिवन टेक्स्ट बुक. वो सिर्फ फैक्ट्स को याद करें. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. आई होप फ्रेंड्स आपको सारे के सारे आंसर क्लियर हो. आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारा कोई आंसर गलत है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में. और फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आंसर करेक्ट हो. ये मेरा एक अनुमान है कि ये इन इन क्वेश्चन के ये आंसर होने चाहिए. अब आंसर किए आने के बाद मालूम पड़ेगा कितना किसका सही है, बट आई थिंक ये मोस्टली करेक्ट आंसर है. थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब.